हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी रुचि मैम या फिर लेफ्टिनेंट डॉक्टर रुचि गुप्ता। तो बच्चों, फाइनली आई हैव रिटर्न फ्रॉम द एनसीसी कैंप और दिल्ली में जो है वेदर काफ़ी ज़्यादा सडनली चेंज हो गया है, तो मेरा गला वाला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो देयर फॉर सम डिले इन द वीडियोज़, बट एनी वेज आई एम बैक। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम वापस अब बात करेंगे ज्योग्राफी की, चैप्टर 4 जो हम लोग कर रहे थे CBSE का क्लास 9th का। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और ये चैप्टर बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। अब तक के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है एंड द कॉम्प्लिकेटेडनेस विल और द इंट्रिकेसेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे ये थोड़ा सा हम और प्रोसीड करेंगे ये बढ़ता जाएगा, बट एनी वेज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए, आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मैंने काफ़ी इन्फोग्राफिक्स वगैरह और हाई लेवल PPT एनिमेशंस वगैरह यूज़ करी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। हमने ये बात करी थी कि किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसे डिटर्मिन होता है, वो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिटर्मिन होता है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियनिक करंट्स, रिलीफ फीचर्स वगैरह। नाउ अब एक फीचर जो कि हमने अब छोड़ दिया था उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा फीचर था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीचर था, वो था प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है ना। तो ये अभी हमने करना है जो कि अब हम लोग इस चैप्टर में, इस जो PPT का या ये जो लेक्चर है इस वाले में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और हमने ये जो डिटर्मिनेंट्स अब तक कर चुके हैं उसमें हमने ये भी देख लिया है कि इंडिया के क्लाइमेट कैसे इनसे इम्पैक्ट होता है, लैटिट्यूड की वजह से कैसे इम्पैक्ट होता है, ऑल्टीट्यूड की वजह से कैसे इम्पैक्ट होता है, ऐसे ही नियरनेस टू द ओशन की वजह से कैसे इक्वेटोरियल या एक्सट्रीम क्लाइमेट्स बनते हैं, एंड सिमिलरली रिलीफ फीचर्स की कहाँ पे हाई लैंड्स हैं, कहाँ पे लो लैंड्स हैं, तो इन सब की वजह से जो है कैसे हमारा वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज होती हैं। नाउ अब हमने जो बात करनी है बेटा वो बात करनी है प्रेशर एंड विंड सिस्टम की, और ये हमने इसलिए बात करनी है क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अब आप यूज़ करोगे, एंड जो कि जैसे कोरियोलिस फोर्स जो कि आपकी बुक में सिर्फ नाम मेंशन करा हुआ है, थोड़ा सा बुक में ना सिर्फ टॉपिक्स के नाम मेंशन करे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से समझाया हुआ नहीं है। और मैंने बहुत बार देखा है कि कम से कम इस चैप्टर में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स की भी वीडियोज़ खुद देखने की कोशिश करी, वो कैसे समझा रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कितने कन्फ्यूजिंग स्टाइल से समझा रहे हैं कि मैं ही कन्फ्यूज हो रही हूँ कि आखिर भाई बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाइड एज मच एज पॉसिबल, पर उसके लिए थोड़ी सी डिटेलिंग लगेगी एंड बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद समझ में आने लगेंगी। तो मानसून इंडिया में कैसे आती है, क्या पूरा सिस्टम है मानसून के आने का, साइक्लोन्स जो कि इंडिया में इतने सारे आते रहते हैं, आपको पता है जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो बहुत बड़ा साइक्लोन प्रोन रीजन है, अब ऑफ लेट जो है अरेबियन सी में भी आने लग गए हैं, पहले अरेबियन सी में इतने साइक्लोन्स नहीं आते थे, पर एनीवेज अब डेवलप होने लग गए, तो वो सारे साइक्लोन्स का सिस्टम थोड़ा थोड़ा आपको जो है समझ में आने लगेगा। ऑल्दो आपको इसके बारे में डिटेल जो है आगे जाके जब आप 11th क्लास में ज्योग्राफी लोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, पर एनीवेज ओके। नाउ प्रेशर एंड विंड सिस्टम को समझने के लिए बेटा थोड़ा सा हमारे को पहले बेसिक अर्थ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि विंड्स जो होती हैं या विंड्स जो फ्लो करती हैं वो बेसिकली यही जो अर्थ की जो ज्योग्राफी है या सन की जो जिस तरह से उस पर रेज पड़ती हैं, तो उस सब के इंटरैक्शन की वजह से जो अर्थ के ऊपर जो सिस्टम बनता है वही उसी की वजह से विंड्स जो हैं वो फ्लो करती है। विंड इज़ बेसिकली नथिंग बट फ्लो ऑफ एयर, कि एयर स्पीड से जब फ्लो करती है दैट इज़ कॉल्ड विंड। तो वो किस वजह से विंड फ्लो कर रही है, किस स्पीड पे फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है अर्थ की जो है बेसिक टोपोग्राफी या बेसिक जो है काफ़ी सारे उसका स्ट्रक्चर जो है समझना पड़ेगा। नाउ एक चीज़ जो बेटा आप रियलाइज करेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में नहीं है, एक स्फीयर की फॉर्म में। तो अगर यही अर्थ अगर क्यूबॉइड की फॉर्म में होती तो ये कुछ ऐसी लगती देखने में, ठीक है ना। तो ये ऐसी लगती देखने में, ये अगर क्यूबॉइड की फॉर्म में होती तो इस सिचुएशन में अर्थ का जो ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इस पर हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर तरह की रेज पड़ती सन की, ठीक है ना। बट हमारे को ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो क्यूबॉइड नहीं है, वो रादर जो है एक स्फीयर की फॉर्म में है, एक बॉल की फॉर्म में है,
जिसकी वजह से अर्थ का कुछ हिस्सा जो है वो ज़्यादा सन के क्लोज रहता है और उस पर सन की हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है और कुछ हिस्से जो है सन के बहुत दूर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जो पोल्स। तो पोल्स में इनफैक्ट जो है 3-3 महीने का वो पीरियड आता है जब कभी, मतलब कुछ पीरियड ऐसा आ जाता है जब या तो बहुत कम सन होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से उन्होंने जो है बड़े बड़े मिरर्स रख के जो है सन की लाइट को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। तो ये जो है बहुत सारे रीजन ऐसे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल सनलाइट जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए पड़ती ही नहीं। नाउ जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो अर्थ का कुछ हिस्सा जो है बहुत कम सनलाइट की वजह से बहुत कम हीट अप हो पाता है, वो गर्म ही नहीं हो पाता, वो हमेशा ठंडा रहता है, और कुछ हिस्सा जो है जो कि इक्वेटर के आसपास का जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। नाउ अगर ये सिचुएशन ऐसी है और अगर कोई इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप खुद इमेजिन करो कि इक्वेटर पे नॉनस्टॉप हीट पड़े जा रही है एंड पोल्स के ऊपर बिल्कुल भी हीट नहीं आ रही, तो इक्वेटर तो इतना गर्म हो जाएगा कि उबल जाएगा, कि वहाँ पे रहने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। एंड मतलब जिसमें कि आधा इंडिया का भी हिस्सा आ जाएगा, जो आपका जो है ट्रॉपिकल एरिया जो होता है 20 डिग्रीज ऊपर नीचे, जो कि हमने पिछली उसमें भी बात करी थी कि 0 डिग्री ऊपर नीचे जो 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होता है वो इतना हीटअप हो जाएगा कि वो बिल्कुल रहने लायक नहीं बचेगा। सिमिलरली नॉर्थ पोल के आसपास एंड साउथ पोल के आसपास भी इलाके जितने भी हैं वो इतने ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे कि वो बिल्कुल इनहैबिटेबल हो जाएंगे, मतलब अनइनहैबिटेबल हो जाएंगे कि वहाँ पे जो है कोई रह ही नहीं सकता। ना गॉड ने जो है एक ऐसा अच्छा सिस्टम डेवलप करा हुआ है, या अर्थ ने, हमारी नेचर ने ऐसा सिस्टम डेवलप करा है कि ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती, और वो इसलिए नहीं क्रिएट होती क्योंकि एयर जो है वो सर्कुलेट करती रहती है, वो बैलेंस करती रहती है हीट को। जो हीट डिफरेंस अर्थ के ऊपर हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है अर्थ में एयर सर्कुलेशन जो है होती रहती है। तो गर्म हवा और ठंडी हवा मिक्स होती रहती है, तो थोड़ा सा एयर जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाउ इसी एयर की मूवमेंट को कहते हैं एयर सर्कुलेशन, ठीक है, एयर सर्कुलेशन। नाउ अब एयर सर्कुलेशन क्या है, वो बेसिकली जो कोल्डर एरियाज, जो हमारे जो कोल्ड का रीजन है, पोल्स जो है हमारे, वहाँ से एयर जो है वो गर्म इलाकों में आने की कोशिश करती है इक्वेटर पे, और इक्वेटर की जो हवा है, ये जो है ये वाली जो एयर विंड्स होती हैं, ये वाली जो एयर है, या ऑब्वियसली जो मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, वो आपको भी पता है, ठीक है। तो ये जो एयर है ये बिल्कुल सरफेस के साथ साथ चलती है, ऑलमोस्ट लाइक 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड ही चलती है, तो ये बिल्कुल साथ साथ चलती है ये विंड जो कि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इनको बोलते हैं सरफेस विंड्स, ठीक है। तो ये विंड्स यहाँ पे आने की कोशिश करती है, तो इससे जो है इक्वेटर, जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे जो हीटअप हुई भी होती है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। साइमल्टेनियसली जो इक्वेटर की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ के जो है पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से जो पोल्स इतने ज़्यादा ठंडे हुए हुए होते हैं वो थोड़े से वार्म अप हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है रहने लायक सिचुएशन हो जाती है। ये वाली जो विंड्स होती हैं ये अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में चलती हैं, ठीक है। तो ये वाली विंड्स जो है अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में चलती है, तो इसीलिए इनको कहते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, जो कि टॉप लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में चलती है, ठीक है ना। आपको, आपने जो है पहले कभी भी करे हुए हैं, आई थिंक 6th-7th क्लास में आपने जो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर करे हुए, कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर आता है, तो ट्रोपोस्फेयर के जो बिल्कुल नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाली जो लेयर है जो बिल्कुल ग्राउंड को टच करती है, वहां पे चलती है ये सरफेस विंड्स, और अपर वाला जो लेयर है वहां पे चलती है ये अपर एयर सर्कुलेशन या अपर एयर विंड्स वहां पे चलती है, ठीक है। नाउ आई एम श्योर अगर ये छोटी सी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, तो अब मैं थोड़ा सा और इसको टेक्निकल करती जाऊंगी। तो अब ये दोनों मिला के सरफेस विंड्स एंड अपर एयर सर्कुल विंड मिला के, अपर एयर विंड्स मिला के बनाती हैं एयर सर्कुलेशन। तो एयर सर्कुलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एयर विंड्स एंड दी सरफेस विंड्स, ठीक है। चलिए, तो ये वही चीज़ है जो बेटा जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि हमारे जो है एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स हैं, जो आपने, आपको पता है कि बिल्कुल जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है जिसमें कि हम लोग रिजाइड करते हैं, हम लोग रहते हैं, जिसमें कि हम लोग सांस लेते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। ओके,
नाउ जो आपकी जो सरफेस विंड्स हैं वो बिल्कुल अर्थ के साथ साथ जमीन के साथ साथ चलती हैं, सिर्फ 10 मीटर्स अबव ग्राउंड चलती हैं. एंड देन यू हैव दी अपर एयर सर्कुलेशन जो कि ऑलमोस्ट ट्रोपोस्फेयर की बिल्कुल एंड पे आ जाती है, एज पे आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस, 10-12 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस जो है ये चलती रहती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ऐसे कैसे चलती हैं और ये अपने आप कैसे हो जाता है. अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल डिटेल्स में आते हैं, वापस उसी अपने डायग्राम पे आते हैं. तो ये हमारा अर्थ है, ये जो है सन की उस पर रेस पड़ रही हैं, सन की रेस से अनइवन हीटिंग हो रही है. तो जो नॉर्थ पोल है या पोल्स है, इवन द साउथ पोल, वो जो है बिल्कुल हीटअप नहीं होते या लेस हीटिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो एयर है, वहाँ पे जो एयर है ट्रोपोस्फेयर की, वहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है. ठीक है ना, इट कूल्स. और जब वो कूल जाती है, कूल हो जाती है, बेटा आपने जो है फिजिक्स में भी करा है, केमिस्ट्री में भी करा है, जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत डेंसली पैकअप हो जाते हैं. ठीक है ना, वो एयर जो है बहुत ज़्यादा डेंसली पैकअप हो जाती है और वो पैकअप होके जो है ना बहुत डेंसिटी बन जाती है, तो वो जो है नीचे सेटल होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं. तो एक तो इसको आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपको रियलाइज होगा कि ज्योग्राफी या कोई भी डिसिप्लिन जो है ना वो सेपरेट नहीं है, इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड. ठीक है ना, तो जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल आसपास बिल्कुल पैकअप हो जाते हैं, हाई डेंसिटी हो जाती है और वो सारे के सारे जो है ना नीचे जो है सेटल होने शुरू हो जाते हैं. तो अर्थ के यहाँ पे जो है सरफेस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो जाता है, नीचे जो है सरफेस हो जाता है, नीचे जो है सेटल होने की वजह से जो है दैट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया एट द पोल्स. तो ये विंड जो है या सारी एयर जो है नीचे सेटल हो जाती है. एज अपोज टू द पोल्स, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है. हीटअप होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इतनी हीट एनर्जी आ गई है कि वो सब एक दूसरे से तोड़ तोड़ के दूर दूर भाग रहे हैं. जब दूर दूर भाग रहे हैं वो एक दूसरे से, उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डेंसिटी बहुत कम हो गई है. ठीक है, पैक्ड अप नहीं है मॉलिक्यूल्स, तो वो सारी की सारी जो एयर है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है. सो जिसकी वजह से इक्वेटर की जो सरफेस है, जो लैंड एरिया है, तो सारी की सारी जब एयर जब ऊपर उठने की कोशिश करेगी, अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर में जाने की कोशिश करेगी. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. ये आपका ट्रोपोस्फेयर था, तो इक्वेटर के आसपास जो एयर होगी वो तो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो इतनी हीटअप हो गई है कि उसको जो है भागने की कोशिश करे, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं. और जो पोल्स वाला इलाका है वहाँ पे ये एयर बिल्कुल ज़मीन को टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इतने मॉलिक्यूल्स इतने पैकअप हो गए हैं, वो इतने डेंस हो गए, हाई प्रेशर एरिया हो जाता है. तो सारा एरिया जो है वहाँ पे पोल्स के आसपास जो है ना सारा एरिया जो है बहुत ज़्यादा हाईली हाई एयर प्रेशर बन जाता है. नाउ ये बेटा आप बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि विंड या कोई भी चीज़ जो होती है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, चाहे वाटर है वो भी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करता है. ठीक है ना, टेम्परेचर भी है, तो मतलब अगर हीट भी है कहाँ से फ्लो करेगी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर एरियाज टू लो टेम्परेचर एरियाज ट्रांसफर ऑफ हीट होता है. सिमिलरली जो है विंड भी जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, तो ये नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से सरफेस के साथ साथ, बिकॉज ये विंड जमीन पे सेटल हुई भी है, जो कि मैंने पहले भी कहा था जमीन पे सेटल हुई हुई, तो ये सरफेस के साथ साथ जो है चलती है और ये इक्वेटर पे आती है, और इसीलिए इसको कहते हैं सरफेस विंड. ऑन दी अदर हैंड जो इक्वेटर वाली जो एयर है वो ऊपर उठ जाती है लाइटर होने की वजह से, लेस डेंस होने की वजह से, और इसीलिए जो है इसको अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं. तो ये वाली सरफेस विंड थी, ये वाली जो विंड है जो इक्वेटर वाली विंड है वो ऊपर ऊपर, क्योंकि वो ऊपर उठ चुकी है तो वो ऊपर से उठ के जो है पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगी. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन अपर एयर सर्कुलेशन या अपर एयर, क्योंकि ये जो है ट्रोपोस्फेयर के जो है ना ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट लेयर्स में ये चलती है. ठीक है, चलिए नाउ वंस दिस इज क्लियर टू यू, नाउ एक चीज बेटा आपने जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते रहते हैं बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड बेटा मैंने पिछले वीडियो में भी करा था कि ऑल्टीट्यूड रेफर्स टू दी हाइट अबव द सी लेवल, जो जिस लेवल पे हमारा ओशन है. ठीक है ना, तो अगर ये आपका ओशन चला आ रहा है और ये उसके बाद लैंड आ गई है, तो ये जो लेवल है दिस लेवल इज कॉल्ड दी सी लेवल. तो इसके ऊपर कितना ऊंचा है वो हम मेजर करते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑल्टीट्यूड. तो अगर कोई माउंटेन है तो वो माउंटेन सी के ऊपर या ओशन के ऊपर कितना ऊंचा उठ जाता है,
ठीक है ना. सो दैट इज ऑल्टीट्यूड. और लैटिट्यूड रेफर्स टू कि ग्लोब के ऊपर उसकी पोजिशनिंग कहाँ पे है. ठीक है ना. एक चीज जो आपने देखनी है कि बोथ हाई एल्टीट्यूड्स पे भी एंड जो जीरो डिग्री पोल्स हैं, सॉरी जीरो 90 डिग्री के जो पोल्स हैं, जीरो डिग्री पे तो खैर इक्वेटर आया था, सॉरी, तो जो पोल्स हैं, जो वहाँ का जो लैटिट्यूड है, दोनों पे जो है ना बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं. बट दोनों का कोल्ड टेम्परेचर के रीजंस डिफरेंट है. ठीक है ना, ये बेटा आपने बहुत ध्यान रखना है. इन दोनों के कोल्ड टेम्परेचर के रीजंस डिफरेंट है. जो पोल्स पे जो रीजन आता है वो ये है कि यहाँ पे, एक मिनट बात करती हूँ, पोल्स पे जो लो टेम्परेचर आता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है सन की रेज नहीं पहुँच पा रही है. ठीक है, और जिसकी वजह से जो है ये बहुत हाई प्रेशर एरिया एयर का बन जाता है, क्योंकि एयर जो है बहुत कूल डाउन होके डेंस हो जाती है और ज़मीन पे सेटल हो जाती है. जबकि माउंटेन्स के ऊपर जो है लो प्रेशर इसलिए बनता है. नाउ लुक एट दिस, पोल्स पे इट्स अ हाई एयर प्रेशर एरिया, जबकि माउंटेन्स के ऊपर इट्स अ लो एयर प्रेशर एरिया. ठंड वहाँ पे भी है, ठंड वहाँ पे भी है, पर फिर भी फर्क क्या है कि माउंटेन्स के ऊपर इट्स अ लो प्रेशर एरिया क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एयर है वो माउंटेन के जमीन पे या फुट हिल जिसे कहते हैं, माउंटेन का जो बेस है या पैर है, वहाँ पे जाके सारी सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर वाले इलाके में बिल्कुल भी एयर नहीं बचती. तो वहाँ पे लो एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई हाई माउंटेन को क्लाइम करेंगे आपको ऑक्सीजन कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है ना, तो जो है, और जबकि यहाँ पे पोल्स के ऊपर ठंड होने के बावजूद भी हाई प्रेशर एरिया इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सन की रेज नहीं आती, जिसकी वजह से ठंडा होता है. ठंड की वजह से जो है पूरी की पूरी विंड जो है वो जमीन पे या एयर जो है वो जमीन पे सेटल हो जाती है, पोल्स की ही जमीन पे सेटल हो जाती है और वो जमीन पे ही चल चल के जो है वो अर्थ की इक्वेटर तक पहुंचती है. ठीक है ना, तो ये कोल्डर एयर है ड्यू टू लेस और नो सनलाइट. एंड बिसाइड्स दैट, अनदर रीजन जिसकी वजह से ये जमीन पे सेटल होती है वो ये है कि पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि यहाँ का जो अर्थ का जो रेडियस है, क्योंकि अर्थ आपको पता है बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, हल्की सी चपटी हुई है, तो इक्वेटर पे बाहर निकली हुई है, पोल्स पे जो है थोड़ी सी चपटी हुई है, तो ये वाला जो रेडियस है, जो अर्थ के जो सेंटर से जो पोल्स वाला जो रेडियस है, ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर कम है. तो जबकि जो इक्वेटर पे जो उसका रेडियस है, अर्थ क्रस्ट के सेंटर से जो इक्वेटर का जो बिल्कुल एज है वहाँ तक का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है. और ये बेटा आपने जो है फिजिक्स में भी करा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या जो चारों बेसिक जो हमारी फोर्स हैं, चाहे उसमें न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो ये सारी की सारी जो फोर्सेज हैं दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस. सो आप जी करते हो ना, जी इज इक्वल्स टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ठीक है ना, तो बीच में कॉन्स्टेंट भी आता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाय आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेटेड है फोर्स ग्रेविटी की फोर्स. ठीक है ना, तो जी न्यूमरेटर में आ रहा है एंड फोर्स जो है वो जो डिस्टेंस है, तो जी इज इन्वर्सली रिलेटेड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. तो डिस्टेंस क्या है मेनली इसमें, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी लग रही है, तो वो दैट डिपेंड्स कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन दैट पर्सन और अर्थ का जो सेंटर है, तो विच इज़ दिस रेडियस आर. तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा कम ग्रेविटी, मतलब इट इज़ रिवर्स, तो ये उतनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी. और जितना कम रेडियस होगा, तो पोल्स पे हमारा रेडियस कम है तो क्योंकि बल चपटी भी है, तो उतनी ज़्यादा ग्रेविटी लगती है और ग्रेविटी लगने की वजह से एयर और ज़्यादा नीचे जो है ज़बरदस्त जो है धस जाती है. ठीक है, और ज़्यादा सेटल हो जाती है. नाउ हियर आई लीव यू विद अ क्वेश्चन कि अगर हम जो है इस सिचुएशन में अगर जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल से नॉर्थ पोल पर अगर शिफ्ट कर दें, तो यू हैव टू थिंक कि उन दैट सिचुएशन माउंट एवरेस्ट के टिप पे क्या एयर डेंसिटी होगी, वहाँ पे एयर डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, ठंड बढ़ेगी या ठंड कम होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी. ठीक है ना, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट टिल वी प्रोसीड अहेड. ओके, नाउ बेसिक जब आपको ये क्लियर हो गया, तो अब इसमें दो चार कॉन्सेप्ट्स हमने करने हैं. आई नो बेटा ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, बट डोंट वरी, विल कीप ऑन डूइंग इट एंड विल डू इट इन अ वेरी वेल मैनर. आई एम श्योर यू विल बी एबल डू इट. नाउ एक और कॉन्सेप्ट जो कि इसमें हमने यूज करना है वो है कोरियोलिस फोर्स. बेटा कोरियोलिस फोर्स जो है एक ऐसी फोर्स है जो कि थोड़ी सी डिफ्लेक्शन, दैट रेफर्स टू डिफ्लेक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेक्शन?
नाउ बेटा आपको पता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये हमारे को हमेशा पता है, हम हमेशा बोलते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, जबकि फैक्ट इज कि सन कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इट इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग, ठीक है ना। तो अर्थ की जो रोटेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में, वो वेस्ट से ईस्ट में। तो आप खुद अपने आप को इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है और आप उसके साथ से गुजरो, ठीक है ना। कई बार कारों में बैठे बैठे ऐसा फील होता है जैसे कि ना दूसरी कार आगे जा रही है, जबकि एक्चुअली में दूसरी कार आगे नहीं जा रही होती, आप पीछे आ रहे होते हो धीरे धीरे। कई बार रेड लाइट पर कभी ध्यान नहीं रहता ना, तो आपकी कार हल्की हल्की पीछे स्लाइड होती है, तो आपको एहसास होता है शायद साथ वाली बस आगे जा रही है, जबकि साथ वाली बस वहीं स्टेशनरी है, आप पीछे जा रहे होते हो, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा हमारे को वो जो है ना वो एक इल्यूजन होता है उसमें कि अगर आप पीछे जा रहे हो तो लगता है कि बस आगे जा रही है। सेम तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि सन ईस्ट से उग के वेस्ट में जा रहा है, जबकि सन कहीं पे भी नहीं जा रहा, सन वहीं पे है। इट्स द अर्थ व्हिच इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ ये कॉन्सेप्ट बेटा आपने बहुत ध्यान से समझना है। सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जो है ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की एग्जैक्टली जमीन को टच नहीं कर रहा, अगर आप उसको एयर में है उसको अगर उछालो, सपोज करो जैसे जेट्स हैं या एरोप्लेन्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है ना, वो अर्थ की सरफेस को टच नहीं कर रहे, जमीन को टच नहीं कर रहे, और अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो जब अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी तो उसके ऊपर जो जो सपोज कोई जेट है या एरोप्लेन है या कोई रॉकेट है जो कि हवा में है, तो उसके ऊपर भी उसी तरह का जो है मूवमेंट का प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज एयर भी उस हिसाब से गोल गोल घूम रही है। तो जब एयर उस हिसाब से गोल गोल घूम रही है तो वो जो जेट है या रॉकेट है वो भी हल्का सा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है। ये जो डिफ्लेक्शन है, दिस डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। तो हर ऑब्जेक्ट जो कि एयर में होती है वो जो है अर्थ की मूवमेंट के साथ साथ, अर्थ की मूवमेंट को फॉलो करते हुए थोड़ा सा टुवर्ड्स ईस्ट मूव करने की कोशिश करता है, वो एक डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो एवरी ऑब्जेक्ट विच इज इन द एयर इज डिफ्लेक्टेड, हल्का सा वो जो शिफ्ट होता है, तो वो उसकी मूवमेंट जो है ना थोड़ी सी, अगर वो जो है अगर सपोज़ वो यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है या सपोज़ वो ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अर्थ उसको अपनी रोटेशन की वजह से ईस्ट की तरफ धक्का मारती है। तो ईस्ट की तरफ धक्का मारने की वजह से वो थोड़ा सा एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर नहीं जा पाता, वो थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस धक्का मारना या ये जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, ये जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है, दैट इज़ नोन एज द कोरियोलिस फोर्स। नाउ आई नो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि ये ही आपको समझाएगी कि विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कि यही वजह है कि विंड कोई किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कोई किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्योंकि अर्थ की जो गोल गोल मूवमेंट है वो विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने क्या बात करी थी कि एयर जो है वो इक्वेटर से उठती है और वो पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि एयर जो है इक्वेटर में हीटअप हुई भी है तो वो जो है ऊपर हवा में चली गई और वहाँ से जो है वो हवा में एयर में जाती है। जब वो ऊपर स्ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले लेयर में पहुँचती है वहाँ पर ठंडी हो जाती है और नॉर्थ पोल की तरफ जाने की कोशिश करती, ठंडी होती है, ठंडी होकर वो वापस सेटल होने की कोशिश करती है। तो दिस एयर इज ट्राइंग टू move towards the colder region from low pressure, so this air is trying to move from you know high heat to low heat area, ठीक है ना। but ये north pole पे पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि earth की movement हो रही है from west to east, तो इसके ऊपर coriolis force लगती है, जिसकी वजह से ये सेम थिंग मैंने सदर्न हेमिस्फीयर में भी दिखाया, तो कुछ एयर जो है ऊपर जा रही है नॉर्दर्न पोल की तरफ जा रही है, कुछ एयर जो है इक्वेटर से उठ के जो है सदर्न पोल की तरफ जा रही है। नाउ अब ये पहुंच ही नहीं पाती नॉर्थ पोल तक या साउथ पोल तक, वो इसलिए क्योंकि अर्थ जब मूव कर रही है तो वो इस एयर के ऊपर धक्का मारती है, तो वो एयर एग्जैक्ट नॉर्थ पोल या एग्जैक्ट साउथ पोल पे पहुंचने की बजाय थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू अ कोरियोलिस फोर्स। सो इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इट एक्चुअली गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली जो सदर्न विंड है साउथ में जो है इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गई बेटा या नहीं?
ओके नाउ अब वो ऊपर वाले एयर लेयर वो नीचे से उठ के ऊपर वाले लेयर में गई, वहां पे इतनी गर्मी नहीं है, वहां पे ऑल्टीट्यूड बढ़ गया। अभी हमने जो बात करी थी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वहां पे जो है हीट कम होती है, वहां पे जो है टेम्परेचर फॉल करता है, वो एयर ठंडी होती है। तो जब वो ठंडी होती है तो वो वापस नीचे सेटल होने की कोशिश करती है, एंड देन ये जब ऊपर चली गई अब ये वापस नीचे आएगी, वहां पे जो एयर है वो उसको डिप्लेस करके जो है नीचे आने की कोशिश करेगी। सो द विंड कूल्स डाउन एट हायर ऑल्टीट्यूड्स और वापस जो है सेटल होने की कोशिश करेगी, और ये वापस जब वो सेटल होती है क्योंकि कूल डाउन हो गई, फिर डेंस हो गई, डेंस होके फिर वापस नीचे आएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो अब ये फिर जो है इक्वेटर की तरफ, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर एरिया बन गया है, क्योंकि यहाँ से विंड सारी की सारी ऊपर चली गई है, तो ये यहाँ पे खाली हो गया, ये जगह इक्वेटर की जगह पूरी खाली हो गई है। तो जब इक्वेटर की जगह खाली हो गई है तो ये विंड जो है वापस इसको भरने की कोशिश करेगी। तो ये जब नीचे डेंस होकर जमीन की तरफ आएगी तो जमीन के साथ साथ ये फ्लो करके वापस इक्वेटर की तरफ आएगी। दिस इज नोन एज योर सरफेस विंड। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा आपको जो है ना अजीब सा लग रहा है या प्रॉब्ली हो सकता है रिपीटेटिव लग रहा, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली बिकॉज आगे इससे सारे के सारे जो है ना हमारे वो डिटर्मिन होंगे विंड सिस्टम्स। ठीक है, ओके नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या सरफेस विंड होती है, क्या अपर एयर सर्कुलेशन होती है और किस तरह से जो है उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगती है और कैसे वो गोल 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 कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो कैसे डिफ्लेक्ट होती है, वो ऊपर जाती है डिफ्लेक्ट होके वो वापस नीचे आती है। ओके Now, अब जो है एक चीज जो बेटा अब हम इसको और ज्यादा डिटेल में करते हैं। Now, अब हमने एक चीज तो बात कर ली है कि हमारी जो विंड है वो इक्वेटर की तरफ से उठती है और पोल की तरफ जाने की कोशिश करती है, फिर वहां से बैठ के फिर वापस जो है सरफेस पे चल चल के जो है इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ से जब विंड गर्म होके ऊपर चली गई है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है बन गया, यहाँ पे एयर ही नहीं है, तो ऐसे तो यहाँ पे लोग मर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए वहाँ पे जो पोल पे जब ठंडी एयर है वो सरफेस पे चल चल के आने की कोशिश करती है, ये आपने समझ लिया। बट द इशू इज कि ये भी ऑब्जर्व करा गया है कि पूरी एयर इतने बड़े एरिया में सर्कुलेट नहीं करती। ठीक है ना, क्योंकि एयर भी जो है ना, क्योंकि वो पूरी नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पा रही, वो डिफ्लेक्ट होके जो है नॉर्थ ईस्ट तक जा पा रही है। तो जब वो डिफ्लेक्ट होके नॉर्थ ईस्ट तक जा पा रही है तो जिसकी वजह से ये ऑब्जर्व करा गया है कि एयर के बहुत सारे मल्टीपल साइकिल्स हैं सर्कुलेशन के। तो ये हमने इक्वेटर बनाया, इक्वेटर, और ये 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री ऐसे ही 60 डिग्री साउथ के जो है ये एक हमने लैटिट्यूड्स बना दिए हैं। तो अब एयर जो है यहाँ से उठी, इक्वेटर से उठी, नाउ इक्वेटर से उठ के वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है पर वो एक्चुअली में ऊपर जा नहीं पा रही, वो थोड़ा सा ईस्टर्न डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, वहाँ जाके ठंडी होती है, ठंडी होके जो है वो जो है पूरी नॉर्थ पोल तक जा नहीं पाती, पूरा जो है यहाँ पे 90 डिग्री तक जा नहीं पाती, ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक ही अभी ऊपर उठ पाती, ये जब ऊपर उठती है तो 30 डिग्री तक ही डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये वहाँ से जो है फिर वापस नीचे आने की कोशिश करती है। तो दिस क्रिएट्स वन एयर साइकिल। सिमिलरली क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ तक ही जो है ये इतना लैटिट्यूड तक ट्रैवल कर पाती है, पूरा पोल तक जा नहीं पाती, इतने पे ही ये वापस जो है गोल घूमनी शुरू कर देती है, वहाँ पे डिफ्लेक्ट होकर ठंडी होकर नीचे आती है। सिमिलरली इन दी नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है ना, तो ये अगर आप एयर की सर्कुलेशन देखो तो इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। सिमिलरली अगर आप साउथ पोल में देखो तो इक्वेटर से हवा उठी, उठ के जो है वो साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, बट अगेन कोरियोलिस फोर्स की तरह की वजह से ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये टुवर्ड्स द ईस्ट ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और वो जो है पूरी 90 डिग्री साउथ पे नहीं पहुंच पाती, 30 डिग्री तक ही जो है वो टेढ़ी होके पहुंचती है और फिर वहाँ पे जैसे ही ऊपर वाली लेयर में पहुंचती है वहाँ पे ठंडी होती है, ये एयर ट्रोपोस्फेयर में ठंडी होती है और फिर जो है ठंडी होके फिर वापस नीचे आने की कोशिश करती है डेंस एयर से ये लाइटर एयर की तरफ या लाइटर रीजन्स जो है जो इक्वेटर जो है वो लाइटर रीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो लुक एट दिस साइकिल, ये कैसा बन रहा है, ये साइकिल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा बेटा कंफ्यूज नहीं होना, तो ये जो है साइकिल बन रहा है। नाउ
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आप देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ तक की तो जो हमारी एयर है वो नॉन स्टॉप सर्कुलेट हो रही है, जिसकी वजह से जो हीट हुआ हुआ है इक्वेटर पे वो बैलेंस हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है ना। सारी एयर की वजह से जो है वो सारी हीट जो है वो बैलेंस हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। बट व्हाट अबाउट द पोल्स इन दैट केस? इसका मतलब तो पोल्स के ऊपर तो बहुत ठंड रह जाएगी क्योंकि वहां तक तो कोई सर्कुलेशन हो ही नहीं पा रही। नाउ अब क्या है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अर्थ के ऊपर तीन मेजर एयर सर्कुलेशंस चलती हैं, मतलब तीन मेजर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड तीन मेजर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो एक ये हो गई बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, सिमिलर साइकिल फिर से रिपीट होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ कि यहां पे जब हीटअप हुई भी होती है एयर वो उठती है और फिर वो ऊपर जाती है तो वो वापस नीचे आती है, ठीक है। तो ये उठती है, ऊपर जाती है और ये नीचे आती है, ठीक है। तो ये अगेन फिर भाई उसी तरह से ईस्टर्न डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है, नीचे आती है, पर इसका जो एयर सर्कुलेशन है ये अगेन जो है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। नाउ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी आप बेटा बहुत ज़्यादा इसको टेक्निकल डिटेल्स में मत घुसना, मैं सिर्फ आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जितनी कि आपको रिक्वायर्ड है। इसकी और भी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आप 11th क्लास में करोगे जब आप ज्योग्राफी का चैप्टर करोगे, ठीक है। अभी आपने समझना, सिर्फ बेसिक समझना है कि एयर नीचे से उठ रही है, ठीक है, ऊपर जाती है, ठंडी होती है एंड वापस जो है लो प्रेशर एरिया में आने की कोशिश करती है। और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है साइकिल्स बनते हैं बिटवीन 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, अगेन एक और साइकिल बनेगा फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ, और ये अल्टरनेट बनता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्वेटर से पहले आप एक पहले बना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद बना इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके बाद फिर दोबारा से बनेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सिमिलर बनेगा जो कि नॉर्थ पोल की जो ठंडा है वहाँ पे जो है एयर सर्कुलेशन हो रही है, थोड़ा सा वहाँ की जो एक्स्ट्रा जो ठंड पड़ी हुई है उसको हल्का सा न्यूट्रलाइज करेगी, तो वो बैलेंस करती है टेम्परेचर बिटवीन 60 डिग्री नॉर्थ एंड बिल्कुल जीरो बिल्कुल 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे। और वही प्रोसेस जो है चलता है आपका साउथ पोल में, तो साउथ पोल पे चलता है या सदर्न हेमिस्फीयर में भी चलता है। तो अगेन एक बार जो है ये दिस गोज एंटी क्लॉकवाइज, फिर नेक्स्ट साइकिल आपका आएगा क्लॉकवाइज, और उसके बाद फाइनल साइकिल आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये एयर उठ रही है, सो बेसिकली अगर ये एयर का अर्थ का सरफेस है, ये एयर उठ रही है, डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन सेटल्स डाउन, ठीक है ना। तो ये एयर उठ रही है, देन इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट और उसके बाद देन इट सेटल डाउन, फिर ये वापस जो है उठती है और फिर उठ के बाद फिर वापस डिफ्लेक्ट होती है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट कीप्स ऑन गोइंग। तो ये वाला जो हिस्सा जो कि जमीन पे चलता है दैट इज कॉल्ड सरफेस विंड्स, ये वाला हिस्सा जो कि ऊपर वाले हिस्से में चलता है दैट इज नोन एज अपर एयर सर्कुलेशन। और ये जो साइकिल है एयर का ये रिपीट होता रहता है हर 30 डिग्री लैटिट्यूड चेंज पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक बार ये मूवमेंट साइकिल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार ये साइकिल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि जी लिख रही हूं मैं, दिस इज नॉट जी, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ अगर ये बेटा आपको क्लियर हो गया है तो ये है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सरफेस विंड्स का। इसमें मैंने अब अपर एयर नहीं दिखाई है, ये मैंने सिर्फ सरफेस विंड्स दिखाई है बिकॉज हमारे को अब समझने के लिए मेनली सरफेस विंड्स चाहिए क्योंकि हमारे को जो हमारी जो जिंदगी है हम लोग जो रहते हैं वो सरफेस विंड्स के साथ रहते हैं, ठीक है। सिर्फ सरफेस एंड की डायरेक्शन है जो कि मैंने आपको कहा था इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एयर सर्कुलेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो आप ये देखो ये जो है ये दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि इसमें दिखाई हुई है, दैट इज वाई ये सारे के सारे एरोज जो है ये इस तरह से, ठीक है ना। तो अब आप 30 डिग्री से ऊपर वाला एरिया देखो 60 डिग्री नॉर्थ तक का, तो यहाँ पे जो है एयर विंड कैसे चलती थी, ऐसे चलती थी, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे चलेगी तो ये जो है ये वाला हिस्सा दिखाया हुआ है, तो ये जो रेड वाला हिस्सा है तो ये ऐसे जाके ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये सरफेस पे चलेगी, ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होके वापस नीचे आएगी, ठीक है ना। तो ये जो है विंड्स की डायरेक्शन है। सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर,
ठीक है ना। तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पे जो है ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये विंड ऐसे नीचे आ रही है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर से ठंडी होके फिर नीचे आती है। दैट इज़ वाई ये सारे की सारे डायरेक्शंस जो हैं ये इस तरह से बनी हुई है। तो नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि ये डायरेक्शंस क्या हैं, ये क्या बना रखा है मैंने, तो अब जो है एक चीज़ और हमने एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा और लर्न करना है, विच इज़ दिस वन, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बेटा वो इलाका होता है, बेसिकली ये इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा, देखो इक्वेटर से 10 मीटर, मतलब 10 मीटर ऑलमोस्ट लाइक 2 किलोमीटर जो है ऊपर वाला हिस्सा होता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड आ रही है ऐसे, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी विंड आ रही है ऐसे टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है ना। 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ विंड आ रही है, सिमिलरली जो है साउथ 30 डिग्री साउथ से टुवर्ड्स द इक्वेटर विंड आ रही है। तो अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वो जगह एक बन जाती है जहाँ पे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड और सदर्न हेमिस्फीयर की विंड आके मर्ज करती है, ठीक है। वो जो मर्जिंग वाला जो इलाका होता है जहाँ पे कि वो मर्ज करती हैं, दैट इज नोन एज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरफेस विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर मीट करती हैं इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ब्रिंगिंग मॉनसून्स इन इंडिया। तो ये अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि ये व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज। तो अगर मैं आपको जो है इसकी एक इमेज दिखाऊं, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अगर आप ऊपर से देखो, सैटेलाइट इमेज अगर उसकी देखो, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये जो बादल है, तो जब विंड आ रही है तो विंड जो है ना सारे के सारे बादलों को ना इक्वेटर के ऊपर इकट्ठा करती चली जाती है, बिकॉज 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जितनी भी ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ कि यहाँ से जो विंड आ रही है ये भी ऐसे ला रही है, यहाँ से जो विंड आ रही है ये भी ऐसे ला रही है, तो सारे बादल जो है ना इक्वेटर के ऊपर एक बैंड बना के जो है इकट्ठे हो जाते हैं, विच इज़ विजिबल इन दिस फॉर्म ऑफ अ बैंड, जो कि जिसको कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना। और ये जो है एक्सट्रीमली लो प्रेशर जोन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ की एयर जो है बार बार ऊपर उठती रहती है हीटअप होने की वजह से। तो दिस इज़ अ वेरी लो प्रेशर जोन जहाँ पे जहाँ की तरफ जो है ये आपकी सरफेस विंड्स फ्लो करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज विंड्स फ्लो करने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पे ये आपकी विंड आ रही है, तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ से सरफेस विंड आ रही है, जिसको कि एक टेक्निकल नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, अभी बाद में बात करेंगे। साइमल्टेनियसली एक और सरफेस विंड आ रही है 30 डिग्री साउथ की तरफ से, जिसको कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, अभी इसको छोड़ दो, इसका टेक्निकल नाम है, ये भी मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से जब वो विंड धक्का मारेगी तो सारे के सारे क्लाउड्स जो हैं ये यहाँ पे जो है कन्वर्ज हो जाते हैं, और ये कन्वर्ज होने की वजह से एक पूरा क्लाउड्स का इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर बैंड बन जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सारे के सारे जो है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। नाउ अगर बेटा आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में ये बात करी थी कि जो ट्रॉपिकल जोन है, ये जो ट्रॉपिकल जोन है इसी में सारे रेन फॉरेस्ट हैं, जबकि यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे एकदम सन डायरेक्टली सन इसके ऊपर पड़ रहा है, फिर भी आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आपके जो जो अफ्रीका के जो मेन रेन फॉरेस्ट हैं, जो इंडिया में जो मेन ग्रीन इलाका है, ये पूरा जो है नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा ग्रीन इलाका जहाँ पे कि हमेशा साइक्लोन्स या थंडर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, ये इसी वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बैंड बना रहता है यहाँ पे क्लाउड्स का, और इसी वजह से जो है यहाँ पे इंडिया में ऊपर से साइमल्टेनियसली हिमालयस भी आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पूरा आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे जितने आपका ग्रीन इलाका है, रेन फॉरेस्ट जो है पूरे इसी इलाके में कॉन्सेंट्रेट हुए हैं, बिकॉज कि यहाँ पे सारे के सारे क्लाउड्स यू नो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, पूरा बैंड बन रहा है ऑन द इक्वेटर, ठीक है। सो नाउ यू आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो ये अगेन फिर दोबारा से वही जो है सरफेस विंड्स की मैंने मैप दिखाया है कि किस तरह से सरफेस विंड्स जो है 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, सिमिलरली 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। तो अब जो है, और ये जो है सेंटर में आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन गया। इट्स अ कन्वर्जेंस, कन्वर्ज मेरा अपने आप मतलब समझ में आ रहा है, कन्वर्ज जहाँ पे आके दो तरह की हवाएं कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, हवाएं मिल रही हैं।
ठीक है, ओके नाउ अब जो मैंने वहां पे ट्रेड विंड्स की बात करी थी, अब हमने थोड़ा सा, क्योंकि सारी की सारी सरफेस विंड्स हैं, ये वाली भी सरफेस विंड्स है, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में भी सरफेस विंड्स है, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में भी सरफेस विंड्स है, ऐसे ये वाली भी सरफेस विंड्स है, तो अब इनको आपस में अब कैसे पता चलेगा हम कौन से सरफेस विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अब हमने जो है अलग अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो जो विंड 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में चलती है, इस इलाके में जो चलती है 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में चलती है जो सरफेस विंड, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। सो दिस इज अ सरफेस विंड जिसको कि स्पेसिफिक नाम दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों, किस डायरेक्शन से आ रही है, बेसिकली कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इलाका। ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका हो गया, ना तो नॉर्थ है ना ईस्ट है, सो इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इसीलिए कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये विंड्स का नाम दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच देयर ओरिजिनेटिंग, कहाँ से वो फ्लो कर रही है, सो दैट इज वाई देयर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सिमिलरली ये वाली जो विंड है वो कहाँ से आ रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना बेटा, ना तो पूरा साउथ है, साउथ पोल है, ना पूरा का पूरा ईस्ट है, उसका बीच का हिस्सा है, तो दैट इज वाई ये वाली जो विंड्स है जो कि 0 डिग्री इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो चलती हैं, इनको कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिख दिया है विंड, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड ब्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, सिमिलरली ये दे ब्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली अब 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो सरफेस विंड है उनको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड या फिर वेस्टर्लीज। नाउ इसमें ऊपर नीचे दोनों ही जो है सिमिलरली 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड्स हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज या एंटी ट्रेड विंड्स, क्योंकि पहली बात हमेशा कहाँ किस डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, लुक एट देयर डायरेक्शन, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वेस्टर्न डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, सो देयरफॉर वेस्टर्न डायरेक्शन से ओरिजिनेट होने की वजह से इनको कहते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, सो दे कैन बी कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी ट्रेड विंड्स। एंटी ट्रेड विंड्स क्यों, क्योंकि ये जो बीच की जो ट्रेड विंड्स हैं, ये वाली जो 30 डिग्री और इक्वेटर के बीच में जो विंड्स हैं इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये इनकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो ये इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में, रिमेंबर मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट बताया था, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने बताया था, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है विंड्स की उल्टी हो जाती है आफ्टर एवरी 30 डिग्री लैटिट्यूड चेंज। तो बेटा बेसिकली आपने क्या समझना है कि विंड की पूरे अर्थ के ऊपर डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, विंड की डायरेक्शन हर 30 डिग्री लैटिट्यूड चेंज पे विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, एक बार वो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, एक बार वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये हर बार 30 डिग्री लैटिट्यूड चेंज जैसे ही होता है इक्वेटर से चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाओ, चाहे इक्वेटर से आप सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाओ, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, और उसी की वजह से कभी कहीं पे कुछ हो रहा होता है, ऐसा नहीं है अगर बिल्कुल सारी जगह एक ही जैसा पूरी एक ही डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही हो तो सब जगह एक ही तरह के साइक्लोन्स आते रहेंगे, एक ही तरह की बारिश होती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको खुद को भी पता है कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे एकदम गर्मी पड़ रही है, वो इसी वजह की विंड की डायरेक्शंस उल्ट डिफरेंट डायरेक्शंस चल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर। ठीक है, सो अभी आपने बेसिकली ये समझना है, तो ऊपर वाला सिमिलरली जो है यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो विंड, ये वाली जो सरफेस विंड्स है, ये इनको भी वेस्टर्लीज बोलते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्ट की डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, सो दे फ्लो और इनको एंटी ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रेड विंड्स पर्टिकुलरली ट्रेड विंड्स वो सरफेस विंड्स होती हैं जो कि 30 डिग्री से जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड्स चलती हैं वो जो सरफेस विंड्स होती हैं उनको कहते हैं ट्रेड विंड्स, और ये वाली जो वेस्टर्लीज होती हैं वेस्टर्लीज जो है ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं, दे फ्लो फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ। ठीक है, आई एम श्योर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ, तो बेटा पर रिपीट इसीलिए कर रही हूँ सर कि आपके ना दिमाग में सेटल हो जाए। नाउ अब 60 डिग्री के ऊपर या नीचे नदरन प्लोल में अब इनको फिर दोबारा से ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है, जो कि मैंने अभी कहा बार बार डायरेक्शन चेंज होती है, इनको कहते हैं ईस्टर्लीज क्योंकि ये ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है।
सिमिलरली 60 डिग्री साउथ से पोल की तरफ जो है दे आर कॉल्ड ईस्ट और लीस्ट, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ डालने की कोशिश कर रही है। समझ में आ रही है बच्चे? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना डायग्राम्स ड्रॉ कर सकती हूँ, ऑल दो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मैसी बना दिया है, उसको और ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए इतने डिटेल डायग्राम्स बना रही हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जब मानसून विंड्स आएंगी हम इसको सारा ये कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग इस वक्त यूज़ पढ़ रहे हैं उन सबको जो है यूटिलाइज करेंगे। अभी तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम ये क्या कर रहे हैं नाउ, अब आप ये समझ पाएंगे कि मैंने इतनी डिटेल में क्यों बात करी है। तो ये अगेन उसी कॉन्सेप्ट को मैंने दिखाया कि ये जो है सारा का सारा जो एरोज हैं ये कुछ नहीं है, ये वही सरफेस विंड्स की डायरेक्शंस हैं। तो ये आपकी ट्रेड विंड्स की आप डायरेक्शन देख सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ये आपकी वेस्टर्लीज हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करी, तो दीज आर वेस्टर्लीज, ठीक है, बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारा हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन सब विंड्स की जो डायरेक्शंस हैं इनसे कितना इम्पैक्ट आता है। ये अब मैंने इक्वेटर और ये सारा जो है ये लैटिट्यूड्स बना दिए हैं, ठीक है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तो ये अगेन वही चीज मैंने बताई कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। सो वंस दीज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर क्लियर, एक मैं ये बीच में जो मैंने एरोज बनाए हैं लेट मी जस्ट रिमूव देम सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। ओके नाउ बेटा, अब इन आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होएगी क्योंकि ये विंड्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो बहुत बार ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो ये विंड्स फ्लो करती हैं ये इतनी जोर की कई बार फ्लो करती हैं कि इनसे जो डस्ट स्टॉर्म आता है, या ये बहुत बार ये विंड्स सहारा डेजर्ट जो यहाँ पे है अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है यहाँ से ये मिट्टी उठाती हैं और ये अपनी डायरेक्शन में इसको अपने साथ मिट्टी उठा के बहुत बार वो मिट्टी जो है वो मेक्सिको और ये लैटिन अमेरिका का जो टिप है इस इलाके में पनामा इलाका में मेक्सिको एंड यूएस तक में जो है बहुत सारी वो डस्ट मिली है जो कि एक्चुअली में पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके पूरा ये विंड जो है अटलांटिक ओशन क्रॉस करके जो है ये बहुत बार ये विंड्स वहाँ पे जाके जो है डस्ट जो है डिपॉजिट करती है। बहुत सारे जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं इस इलाके में वो उसमें विंड जो आती है वो सहारा डेजर्ट से उठकर आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्शन है विंड की। अब ना आपको समझ में आने लगेगा कि बहुत सारी जो विंड्स की डायरेक्शन है वो क्यों इस तरह से है और क्यों उसके इम्प्लीकेशंस हैं। नाउ एक इम्प्लीकेशन तो ये है, अनदर इम्प्लीकेशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन है वो है एरोप्लेन्स का, ठीक है। अब आपको पता है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं। वेस्टर्लीज जो है ये जो ट्रेड विंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, जिसकी वजह से अगर आप ऑब्जर्व करो जब कोई फ्लाइट उड़ती है से फ्रॉम न्यूयॉर्क से फ्रॉम सम प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स टू अ प्लेस इन ब्रिटेन से लंदन जा रही है, न्यूयॉर्क से लंदन की अगर वो फ्लाइट जा रही है तो आप ये देखो कि ये किस डायरेक्शन में, ये वेस्टर्लीज की डायरेक्शन में फ्लाइट उड़ रही है। ये जो फ्लाइट उड़ रही है वेस्टर्लीज की डायरेक्शन में तो इनको विंड की बहुत सपोर्ट मिलती है, पहले इंजन प्लेन का इंजन जा रहा है ऊपर से साथ में इनको विंड भी धक्का मार रही है तो प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब ये प्लेन इधर से जब यूरोप की तरफ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स से उड़ के यूरोप की तरफ जा रहा होता है तो वो उसी डिस्टेंस को 6 घंटे में कवर कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड जब वही फ्लाइट जब वापस आती है लंदन से जब वापस न्यूयॉर्क आ रही होती है नाउ इस वक्त क्या है आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना। आई एम श्योर आपने ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में भी कर रहे होंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कि बोट एक साइड से चली अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम मतलब कि जो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो, दैट इज व्हाट यू मीन बाय अपस्ट्रीम। पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है आप ऊपर जाने की कोशिश करो तो आपको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, पर अगर पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम और आप भी बोट उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लेन्स के ऊपर लग रहा है, जब वापस में फ्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क आती है तो ये अब उल्टी डायरेक्शन में जा रही है फ्लाइट, फ्लाइट जाने की कोशिश कर रही है टुवर्ड्स वेस्ट जबकि जो विंड है वो जाने की कोशिश कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसी फ्लाइट को जो कि आते हुए 6 घंटे लगे थे अब इस फ्लाइट को आप कभी भी टाइम ऑब्जर्व करना आप चेक कर लेना इसी फ्लाइट को वापसी में 7 घंटे लगते हैं।
ठीक है ना। सो बेसिकली बेटा ये इंपॉर्टेंस है इन विंड्स की डायरेक्शन का कि इससे इतना फर्क पड़ जाता है, और इसीलिए जो है एविएशन इंडस्ट्री में और पर्टिकुलरली रॉकेट इंडस्ट्री में जो है ना बहुत ज़्यादा ज्योग्राफर्स लगे हुए होते हैं। इनफैक्ट जो है एज अ पार्ट ऑफ द आर्मी में एक बार एक एयरफोर्स बेस स्टेशन पर गई थी, वहाँ पर जो है सारा सिस्टम को वगैरह समझने के लिए एज अ विजिट गई थी, तो हमारे को उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से जब भी कोई यू नो एक प्रैक्टिस के लिए भी वो एक फाइटर जेट उड़ाते हैं तो उनके कितने ज़बरदस्त वेदर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि चेक करते रहते हैं कि विंड किस डायरेक्शन में जा रही है और यू नो किस कितने रेट पे विंड उड़ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, और उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि प्लेन को हमारे को किस डायरेक्शन में उड़ाना है और किस स्पीड से उड़ाना है। तो वो पहले ही उस चीज को बहुत ज्यादा मॉनिटर करके रखते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एयरफोर्स, इट्स अबाउट द एंटायर एविएशन इंडस्ट्री। इनफैक्ट की पूरी जो आपकी कमर्शियल फ्लाइट्स है, यहां तक कि जो आपके रॉकेट्स वगैरह भी, जो जैसा अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च करा था, तो बहुत बड़े रॉकेट्स को रोकना पड़ता है क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि विंड की डायरेक्शन जो है कुछ डिस्टर्ब हो गई है, हमारे को सपोर्ट नहीं कर, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे इतने फैसिनेट होते हैं कि बहुत सारे बच्चे आगे जाके जो है दे टेक अप ज्योग्राफी एज अ प्रॉपर कोर्स और आगे वेदर डिपार्टमेंट्स में या इस तरह के एविएशन इंडस्ट्रीज में दे टेक अप अ वेरी हाई पेड जॉब। चलिए एंड होपफुली अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगे तो यू विल आल्सो गेट द सेम। ओके चलिए नाउ, तो देयरफॉर जो कि मैं अभी बताई थी, इट हैज़ वेरी सिवियर इम्प्लीकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, नॉट सिवियर, आई मीन इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। सिमिलरली अगर आप साइक्लोन की डायरेक्शंस भी देखें तो इन्हीं विंड्स की वजह से जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आता है वो मूव करता है इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स आते हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं, उनकी ये इस तरह की उल्टी डायरेक्शन, उनकी जो है जो साइक्लोनिक उनकी इस डायरेक्शन में होती है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों के दोनों जो है उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये जो साइक्लोन्स जब आते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं घूम रहे होते, तो जो आई ऑफ द स्टॉर्म है उसके चारों ओर जो क्लाउड्स एंड विंड्स हैं वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये जो विंड्स की जो डायरेक्शन है वो ये है कि बेटा आप लोग ये रियलाइज करोगे कि वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये अमेरिका का जो डेजर्ट है या लैटिन अमेरिका का डेजर्ट है या अफ्रीका के जो डेजर्ट्स हैं या एशिया के डेजर्ट या जो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं, ये सारे जो है कॉन्टिनेंट के लेफ्ट हैंड साइड या वेस्टर्न साइड पर लाई करते हैं, और उसकी वजह ये नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही हैं। क्योंकि आप ये देखो जैसे कि ये विंड है, ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं ये फ्लो कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने अटलांटिक ओशन से पानी उठाया, तो पानी उठाते ही जो सबसे पहली जो ज़मीन इनको मिलती है वहाँ पे ये विंड्स टकराती है और सारा पानी जो उनके पास होता है वो जो है वहाँ पे बरसा देती है, तो वहाँ पे बारिश हो जाती है और उसका जो दूसरा हिस्सा है, सामने वाला जो हिस्सा है वो एक ऑरोग्राफिक शैडो रीजन में आ जाता है, तो ये ऑरोग्राफिक रेन बन जाती है और यहाँ पे एक शैडो रीजन आता है, रेन शैडो रीजन आने की वजह से वो वहाँ पे जो है डेजर्ट आ जाता है। सिमिलरली अगर आप साउथ अमेरिका का देखो, वही अगेन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आई, सारा का सारा जो है जितना भी उन्होंने अटलांटिक ओशन से पानी उठाया, जैसे ही लैंड आई वहाँ पे टक्कर आई तो वहाँ पे जितना भी अपना पानी है वो वहाँ पे वही पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है या वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो है ये अगेन जो है जिसे कहते हैं ना वहाँ पे इनके पास पानी नहीं बचता वहाँ देने के लिए, तो जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो है डेजर्ट रीजन आ जाता है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट जो है अफ्रीका में अप्लाई होगा, अगेन इंडियन ओशन से विंड्स ने जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है पानी उठाया और वहीं पे जो है ईस्टर्न कोस्ट पे जो है अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है या ईस्टर्न इलाका है उसमें पानी बरसा दिया, और जबकि जितना भी आपका जो है वेस्टर्न रीजन है वो जो है नामीबिया का जो रीजन है। चलिए बेटा, सो विद दिस आई एंड विद माय वीडियो, एंड इसमें जो है सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो आपको चाहिए मॉनसून सिस्टम को समझने के लिए वो हमने कर लिए हैं दिस वीडियो। अगर इससे ज़्यादा मैं इसको कराऊंगी तो आई एम श्योर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। इसमें थोड़ा सा एक जेट स्ट्रीम का और कॉन्सेप्ट रह गया, उसके बाद देन वी आर इन अ पोजिशन टू स्टार्ट विद द एंटायर यू नो मॉनसून सीजन की इंडिया में मॉनसून कैसे आता है और कैसे जो है वो किस कोर्स से एंटर करता है और कैसे कैसे वो आगे प्रोग्रेस करता है, कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, क्यों होती है, कहाँ पे बारिश कम होती है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ माउंटेन्स की वजह से देखा था और वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की वजह से देखा था कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे बारिश कम होती है, बट अब किस डायरेक्शन से आती है और कैसे कैसे वो डिफ्लेक्ट होती है, ये सारा का सारा जो है ये विंड डायरेक्शन से जो है वो चेंज होता जाएगा।
ठीक है, कि मॉनसून विंड जो है वो केरला से ही क्यों एंटर करती है, सबसे पहले मॉनसून जो है महाराष्ट्र में या केरला में ही क्यों आता है, वाई, और ये यहाँ से क्यों नहीं आता, तो ये सारा का सारा जो है इकट्ठा क्यों नहीं आता दोनों साइड से, तो ये सारा का सारा जो है ना ये पूरा विंड डायरेक्शन वगैरह जो है हमने जो स्टडी करा ये सारा यूटिलाइज होएगा। चलिए अब आप पढ़ते रहिए एंड डोंट गेट कन्फ्यूज, इसको दो चार बार वीडियो देखिए, ऑल्दो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, फिर भी अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता डू राइट टू मी, आई विल ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। चलिए बाय बेटा, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ, बाय।